हे गाइस, वेलकम टू ARK मोटर व्लॉग्स चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेनॉल्ट ट्राइबर RX-Z, जो टॉप वेरिएंट आता है ट्राइबर के अंदर, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है। जो भी है ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाती है आपको। तो जैसे कि आप फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी का, तो कुछ ऐसी गाड़ी आपको दिखेगी। छत पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन, ऊपर रूफ रेल्स लगी हुई है और एक छत के ऊपर एक अलग साइज के अंदर आप देख सकते हैं स्लोप दिया गया है बीच के अंदर, इसको इंक्रीज़ कर देता है। तो बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो जी, तो फ्रंट का आप देख सकते हैं कि कुछ ये आपको हेडलाइट का सेटअप मिलता है इसके अंदर। आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है हैलोजन का। उसके अलावा यहाँ पे आपको नॉर्मल हाई बीम के लिए मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर की पोजीशन है। और यहाँ पे ये इंसर्ट इसके अंदर क्रोम मिल जाती है आपको ये वाली, जो कि यहाँ तक है काफ़ी लुक को काफ़ी इन्हांस कर देते हैं। साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको तीनों ग्रिल के अंदर क्रोम वर्क मिल जाता है, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। उसके अलावा अगर टॉप वेरिएंट में बात करते हैं आगे फ्रंट में क्या क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पे हमें DRLs मिल जाते हैं, जो कि जैसे ही गाड़ी ऑन होगी तो ये ऑन हो जाएंगे आपके। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रिल है ब्लैक कलर के अंदर दी गई है, तो इसको अगर इसके अंदर कुछ जल जाता है तो आप ईज़िली इसके अंदर हाथ डाल के इसको क्लीन कर सकते हैं। ये वाली स्किड प्लेट आ जाती है इसकी। इसके अलावा ये ट्रैवल की जो नेम बैच लगाई हुई है वो दिखा देता हूँ आपको, और साइड का लुक भी दिखा देता हूँ आपको कि साइड का लुक गाड़ी का कैसा आता है। तो देख सकते हैं आप कि ये गाड़ी का साइड का लुक है, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है गाड़ी की। आपको कुछ छोटी छोटी लग रही होगी क्योंकि वाइड एंगल में शूट हो रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसके जो शेप के एलॉय शेप के व्हील कैप आते हैं तो ये आते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज से थोड़ा सा, तो ये देखिए ये रिम है और ये इसकी एक्चुअली कटिंग की हुई है यहाँ पर। तो ये रिम देख सकते हैं आप, ये व्हील कैप है और जो टायर साइज मिलता है इसके अंदर वो आपको मिलता है 15 इंच का। यहाँ पे दिखा देता हूँ 185/65 R15 का आपको यहाँ पे टायर मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस जो मिलती है गाड़ी की वो आपको मिलती है 182 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस आती है गाड़ी के अंदर, जो कि कहीं भी आपको गाड़ी को टच नहीं से होने से शायद टच नहीं होगी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं तो ये स्टिकर लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, ये कोई साइड ग्लाइडिंग नहीं है। इनको मैं आपको दिखा देता हूँ टच करके, ये देखिए स्टिकर है, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट नहीं है। ये आपको लगभग सभी वेरिएंट में आपको मिल जाता है। ये कुछ साइड का प्रोफाइल है, बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं ये, और ये दोनों चीज़ें बॉडी कलर आ जाती है, साइड प्रोफाइल है गाड़ी का। उसके अलावा मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ कि चाबी इसकी टॉप वेरिएंट की ऐसी आती है। इसमें आपको एक लॉक, एक अनलॉक का स्विच और एक जो रीडिंग लैंप होता है उनको ऑन ऑफ करने के लिए, अगर आपका बीच के अंदर रखते हो आप उसको तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। और गाड़ी अगर आप सिर्फ बूट एक्सेस करना चाहते हो, इसको एक बार प्रेस करोगे गाड़ी आपकी पूरी अनलॉक नहीं होगी, सिर्फ आपके इसके अंदर बूट एक्सेस होगा। तो कहीं होटल पे अगर आप कभी रुकते हैं तो उसके अंदर आपको ये मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 1 मीटर से ये क्लोज़ आता हूँ तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है, और जैसे मैं दूर जाता हूँ इससे गाड़ी से तो ये गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा ये लॉक अनलॉक का सिस्टम था इसके अंदर। पीछे से भी दिखा देता हूँ कुछ गाड़ी का ऐसा आता है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं रूफ रेल्स की। तो जो रूफ रेल्स आपको मिलती है ऊपर, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 50 kg मिल जाती है। और अगर पीछे पे और आते हैं हम तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी जो वाइपर का पानी आता है वॉशर, ये डिफोगर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वाइपर की पोजीशनिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ट्राइबर की बैचिंग दी गई है जो कि काफ़ी शानदार दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है पीछे का, एक नॉर्मल सी गाइडलाइन शो होती है इसके अंदर। यहाँ से आप इसका बूट गेट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपको हेडलाइट का मिल जाता है, पीछे की ब्रेक लाइट का बता रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर नॉर्मल हम लाइट ऑन करेंगे तो ये वाला कुछ हमारा पीछे से इसकी लाइट का लुक आने वाला है, जो कि आप कह सकते हैं कि शी शेप में दिया हुआ है। क्लोज़ से दिखा देता हूँ आपको, क्लोज़ में आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई LED नहीं है, इसके अंदर बल्ब दिया गया है। यहाँ पर आपके इंडिकेटर की पोजिशनिंग दी गई है, यहाँ पर रिवर्स गियर की लाइट आती है सिर्फ एक साइड। ये आप ये मैं सोचिएगा कि पूरी वाली ऐसे लाइट आती है इसके अंदर, ये सिर्फ यहाँ तक ही लाइट शो करती है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे रेनो की बैचिंग, और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है जैसा कि देखते हैं। और रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको 3 मिल जाते हैं, एक यहाँ पे, एक इधर मिल जाता है आपको और एक उस तरफ मिल जाता है। अब नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टपनी कैसी दिखती है। तो स्टपनी जो आती है इसके अंदर आपको स्टपनी मिलती है जी, ये आप देख सकते हैं ये स्टपनी मिलती है। इसमें 14 इंच की होती है और ये सिर्फ स्टपनी की तरह ही यूज़ कर सकते हैं आप इसको, प्रॉपर टायर नहीं होगा ये आपका। ये कुछ यहाँ पर जो लाइटिंग है ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए अभी इसकी बूट की बात कर लेते हैं। तो चलिए जी बूट ओपन करते हैं, इसका बूट दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जैसे RXL की भी मैंने डाली हुई है, RXT की भी मैंने पहले की वीडियो डाली हुई है, तो वो आप मेरे चैनल में ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और ये आप अगर 5 सीटिंग में यूज़ करते हो उसको, तो ये आपको मिल जाता है 620 लीटर का बूट, जो कि काफ़ी अच्छा है 5 सीटर में। अगर आपके हम फैमिली में मतलब 5 बंदे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और अगर बात करता हूँ आपको तो हर बंदे के लिए सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब इसी इवेंट लास्ट रो के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये यहाँ पे दिए गए हैं, इसको ऑन ऑफ हम ऐसे कर सकते हैं। तो 5 सीटर में तो हो गया, और हर बंदे के लिए यहाँ पे पकड़ने का ही दिया गया, जो कि अच्छी बात है, एक सेफ्टी के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो सेकंड में चलते हैं, आइए दिखा देता हूँ मैं। तो ये टेल गेट आप देख सकते हैं सेकंड वाला, कि कितना वाइड ओपन हो रहा है आराम से, मतलब कैसा भी बंदा आराम से अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पावर विंडो मिलती है इस ऑप्शन में हमें। उसके अलावा यहाँ पे पियानो फिनिश ब्लैक का यूज़ किया गया है। उसके अलावा ये कपड़ा यहाँ पे कुशनिंग दी गई है, जो कि शायद हाथ रखने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगी। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लीटर की एक बोतल यहाँ पे रख सकते हैं, 1/2 लीटर की आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ से अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 सीटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 7 में भी जहाँ तक है मतलब 5-7 हाइट के बंदे 3rd row में बैठ सकते हैं आराम से। तो ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठता हूँ। तो ये वाला ये पोजिशनिंग है, और इसको सीट को भी मैं पीछे करके स्पेस बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे ठीक है, आर्म रेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाता है आपको। ये वाली सीट आप डंबल भी कर सकते हो, ये पूरी ऐसे फोल्ड होके यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और इसको भी आप कर सकते हो। इसको मैं करके दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसी के इवेंट सेकेंड रो के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स आता है, ये वाला, मतलब 1 लीटर की बोतल आप ऐसे तिरछी करके डाल सकते हैं, वरना कैन तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। ये वाला एसी का नोब दिया गया है, इसको स्पीड एडजस्टर है 1, 2, 3 का, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने ये सीटें ज़्यादा आगे की हुई है तो आपको यहाँ से जैसे उतरते हो आप, तो यहाँ पे आपका पैर ऐसे टच होगा, ये दिक्कत होगी। तो आपको इसको अगर सीटें ज़्यादा आगे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करके निकलना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्पेस दिक्कत करता है यहाँ पर, तो इसको भी हम पीछे कर देते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैक कहाँ दिया जाता है इसके अंदर। तो जहाँ तक आपको दिख गया होगा कि ये इस वाली सीट के नीचे यहाँ पे जैक मिल जाता है, ये पोजीशनिंग दी गई है जैक की, और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट सेकंड रोड में मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं सीट को, तो इसको हम ऐसे करेंगे ये वाली सीट से, और ये वाली सीट आगे चली जाएगी। तो ऐसे देख सकते हैं आप, ये वाली सीट ऐसे हो जाती है एडजस्ट। उसके अलावा इस वाली को भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा पीछे करना, एक हाथ से थोड़ा सा टाइट होता है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसको रिक्लाइन भी हम कहाँ तक रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको हम रिक्लाइन करते हैं, तो मतलब डोर जो ओपनिंग एरिया है वो काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए ड्राइवर सीट पर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले ये चीज़ है, ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की लगती है, पर जहाँ तक है मेरा यूज़ नहीं होगा आपका इसका, क्योंकि सेंटर में एक स्विच दिया हुआ है। यह आपको टॉप मॉडल के अंदर अलग कलर का मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम वही है कुशनिंग यहाँ पे, विंडो लॉक अनलॉक सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। 4 पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर साइड वाली जो विंडो मिलती है ऑटो दी गई है, अप एंड डाउन का OVRM एडजस्टर आप इधर का उधर का कर सकते हो। इसके अलावा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ड्यूल टोन यूज़ किया गया है, तो प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है, देख सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे भी आप मतलब स्पेस का काफ़ी यूटिलाइजेशन अच्छा है। यहाँ पे एक 2 लीटर की बोतल, दूध की तो नहीं है ये, पर हाँ 1 लीटर की बोतल, और एक और एडजस्ट कर सकते हैं आप थोड़ा सा। स्पीकर यहाँ पे पोजिशनिंग दी गई है, ये लाइट की डोर को ऑन ऑफ करने का ये वाला स्विच है, ये पोजिशनिंग है, ये यहाँ पे पेडल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फ्यूल का ऑन ऑफ का। और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ एक पार्सल ट्री टाइप की मतलब यहाँ पे दी गई है, तो ये RXT के अंदर से स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेटली कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर इसके। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ जो व्हील आने वाला है वो कुछ ऐसा होगा गाड़ी का। मेरा मिल जाएगा आपको डे नाइट एडजस्टेबल वाला, यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ रीडिंग लैंप का दिया गया है, सेकंड रो के लिए रीडिंग लैंप बीच में है, पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे भी मिरर मिल जाता है, तो अच्छी बात है ये चीज़।
छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं हमारे लिए। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं हम इसको। टिल्ट एडजस्टमेंट है। मीटर का कुछ ऐसा लुक आता है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप LED के अंदर दिया गया, पूरा कोई ग्लास नहीं है यहाँ पे। अभी जैसे दिखा रहा है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मतलब हमें दी जाती है। दिखा देता हूँ आपको, ये वाला किलोमीटर पर लीटर के अंदर ट्रिप AB दिया गया, रेंज सारी चीज़ें, ये फीचर यहीं पर, सर्विस इंटरवल और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये मतलब एक नॉर्मल सा वो दिया गया, यहाँ पे LED है, कोई ग्लास नहीं है उसके ऊपर, ये ऐसी LED लाइट आती है। ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे वाइपर के मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे लाइटें ऑन ऑफ करने के स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर के सेम यहीं पर है। कोई यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं दिया जाता है। इसके अंदर डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं, एक ये वाला ग्लव बॉक्स दिया गया है यहाँ पे, एक ये वाला आ जाता है, और एक मैंने पीछे आपको दिखा दिया था यहाँ पे बोर्ड, और ये दो बोतल होल्डर मिल जाएंगे आपको, कप होल्डर कह सकते हो। बड़े वाले गिलास नहीं आएंगे, पर छोटे वाले कांच के गिलास आप इसके अंदर रख सकते हो। ये पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है आपको गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक चार्जिंग पॉइंट दिया है, ऑक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग नहीं है इस सेगमेंट में, किसी में भी वायरलेस नहीं मिलता है, पर एक ऐसी ट्रे आती है कि आप उसको लगा के यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग एक्टिव कर सकते हो। ये लॉक अनलॉक का है, आप अंदर के साइड बैठे हो, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाते हैं आपको, तो जैसे ही आपकी गाड़ी 10 की स्पीड क्रॉस करती है ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। पर इसको अनलॉक करने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, गाड़ी आप रोकेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा। ये स्टीरियो का दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा लुक आता है इसके अंदर। ये बीप आ रही है क्योंकि गाड़ी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, PDI नहीं हुई इसकी, तो इसलिए ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। बाकी अगर इसकी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरी, जो इसके ऊपर पूरी मैंने बनाई हुई है, तो आप आई बटन के अंदर उसको भी देख सकते हैं। ये पुश टू का स्विच दिया गया है, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो ये था एक गाड़ी का, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा किया गया है। इसके अंदर भी AC ऑन ऑफ का एक लास्ट में आपको दिख रहा होगा, उसको आप अगर इधर साइड कर देते हैं तो आपको उसके अंदर AC की हवा मिल जाती है। तो ये था गाड़ी का एक वॉक अराउंड वीडियो। बाकी आप और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट रेनोगेट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ मिल जाएगी। हाइट भी काफ़ी अच्छी है, 6 फीट के बंदे आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो तक भी कहूँ तो मैं एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर, मतलब नहीं मिलेगा आपको स्पेस। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक और किसी ड्राइवर से रिलेटेड या किसी और गाड़ी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सीट बेल्ट लगाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, थैंक यू।